शादी के बाद भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों रखते हैं, क्या ये जायज है और कैसे इसको रोका जा सकता है, आज हम इसी टॉपिक पे, इसी मुद्दे पे खुल के बात करेंगे, ओपनली बात करेंगे। जो लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि शादी के बाद है तभी इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है, नहीं तो केवल अफेयर कहा जाता। नैतिक तौर पे जायज नहीं है ऐसा दुनियादारी कहती है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी अफेयर अगर किया जाता है तो जरूरत होती है तभी किया जाता है, बिना जरूरत के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करेगा। विवाह बाह्य संबंध तो नतीजा है जिसकी जड़ में बहुत सी बातें छुपी होती हैं। लोग जड़ तक जा नहीं पाते इसीलिए बाहरी चीजों पर चर्चा करते हैं। बात यह है कि जब शादीशुदा जिंदगी में तकलीफ हो और अगर उसे सुलझाया ना जाए तो वो कोई भी हल ढूंढ लेती है, ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, उसे दोनों पक्षों से जायज इज्जत मिलनी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी असंतुष्ट, अशांत या आहत होता है तो रिश्ते में ईमानदारी नहीं रह पाएगी। एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना है, ना कि एक दूसरे के बगैर। जो इस बात को समझ गया उसकी नैया पार, नहीं तो नैया डूबेगी ही डूबेगी। आजकल ये फैशन बन चुका है। बढ़ते खुलेपन, सोशल मीडिया का दुरुपयोग और बढ़ती चालाकी एवं भोगवाद की संस्कृति के कारण लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा रखने लग गए हैं। आजकल महिला और पुरुष दोनों में ही संतुष्टि के भाव कम हो गए हैं, इसलिए वे दूसरे से संतुष्टि लेने का प्रयास करते हैं। नैतिक रूप से तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामले कम होंगे, बल्कि दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सब बढ़ते पुरुषवाद, नारीवाद एवं भौतिकतावाद के फलस्वरूप है। स्वयं मन पे नियंत्रण रखकर ही ऐसे अफेयर से बचा जा सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सिर्फ आत्मज्ञान ही है जो आपको ऐसे रिश्तों से, अवैध संबंधों में जाने से रोक सकता है या सामने वाले व्यक्ति को ऐसा करने से रोक सकता है, चाहे आप खुद हो, चाहे सामने वाला हो, चाहे कोई भी हो। आत्मज्ञान दोनों के लिए जरूरी है। जिसके भी पास आत्मज्ञान है, जो स्वयं को समझ पा रहा है, वही ऐसे रिश्तों से बच सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसका कोई और उपाय नहीं हो सकता है। बहाने तो बहुत हैं, कारण भी बहुत हैं। किन किन पे आप बात करोगे, कुछ ना कुछ तो कारण निकल ही आएगा। अपने मन को नियंत्रित करके ही कुछ भी गलत करने से बचा जा सकता है, चाहे फिर वो अवैध संबंध हो, चाहे कुछ भी हो। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात आप समझ पाए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों, जरूरत लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube वीडियो देख देख कर थक चुके हैं, लेकिन आपके जीवन में जो रिलेशनशिप से रिलेटिव प्रॉब्लम है, लाइफ से रिलेटिव प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया या फिर आपके रहते हुए किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, आप अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते हो लेकिन आपके पास मजबूरी है, कैसे उस मजबूरी को ख़त्म करें। पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, कैसे समझे, क्या किया जाए कि आपके संबंध अच्छे हो जाए। आपकी लव लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, आप इसके लिए YouTube वीडियो पर आते हैं, लेकिन YouTube वीडियो देखकर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे वेबिनार में। वहाँ पर हम समझेंगे कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कैसे आपके संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वेबिनार में आने का चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। चार्ज बहुत ही मिनिमम, समझ लीजिए आपकी एक कप चाय के बराबर। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए हमारे फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे साथ वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए।